हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में जो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बारे में। ये एनर्जी लेवल्स होते क्या है? अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, हम उनको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल में कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, और अगर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और साथ ही साथ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मीन्स व्हाट? जो बॉन्ड्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जनरली बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, वो एज अ लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज एम्प्टी। तो ऐसे केसेस में हमको देखना है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो हम मॉलिक्यूल में अगर बात करें तो हमारे पास है सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार दैट मींस पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार दैट मींस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब हम देखते हैं अगर मॉलिक्यूल में इतने टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो इनमें ट्रांजिशन कैसे होगा, और किस किस टाइप के मॉलिक्यूल कौन कौन से ऑर्बिटल कंटेन करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले एल्केन्स जैसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अगर इनके पास केवल सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इनके पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? तो आप देखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, केवल यही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। किस केस में? सिग्मा बॉन्डिंग या एल्केन के केस में, क्योंकि इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो पाई बॉन्ड्स लाइक एल्कीन्स, एल्काइन्स, एल्डिहाइड्स, इन सभी में पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल आते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। थर्ड में आता है नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब ऐसे एटम्स या हेट्रो एटम्स जो कार्बन के साथ अटैच्ड हैं सिंगल बॉन्ड से या फिर डबल बॉन्ड से। इनके पास अपना एक लोन पेयर होता है या दो लोन पेयर या तीन लोन पेयर। इनके पास जो लोन पेयर होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर वे इसे कंटेन करते हैं तो उनके पास तीन टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। लेकिन अगर उनमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो ये पांचों एनर्जी लेवल्स उनमें प्रेजेंट होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में किस टाइप के एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन की। हमने देखा एनर्जी लेवल क्या होता है, अब हम देखना चाहते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है। तो देखते हैं ट्रांजिशन के लिए जरूरी क्या है कि एनर्जी लेवल्स के बीच में मॉलिक्यूल एक्साइट हो, लाइट एब्जॉर्ब करें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, और उसके बाद वो क्या करें, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। जब भी मॉलिक्यूल या कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है तो उस समय हम उसकी एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा ई इक्वल्स टू ई हायर माइनस ई लोअर, दैट मींस हायर एनर्जी लेवल इज दिस एंड लोअर एनर्जी इज दिस। इस केस में हम यहाँ से डेल ई कैलकुलेट करते हैं और ये प्रोसेस ही ट्रांजिशन या रेजोनेंस कहलाता है। इस ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जब भी मॉलिक्यूल सनलाइट या फिर किसी भी लाइट सोर्स के प्रेजेंस में आएगा तो वहां से अपनी बॉन्ड की कैपेसिटी या बॉन्ड की टेंडेंसी के बिहाफ में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब वह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर लेवल में चला जाएगा, जिसके बीच का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। अब हम देखते हैं कितने टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ट्रांजिशन पॉसिबल देखने के लिए हम सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसका क्या मतलब है सिग्मा टू सिग्मा स्टार? तो ये तो क्लियर हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा, इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? ध्यान ये रखेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन शो करता है जो कि अलाउड होता है। तो हम बात करते हैं होमो होमो ऑर्बिटल से लेकर ल्यूमो ऑर्बिटल तक। तो इस होमो और लिमो के कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कि ऐसा कब होगा और किसके साथ क्या होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हम बात करते हैं किसकी, मेथेन की, एथेन की, साइक्लोप्रोपेन की। तो मेथेन, एथेन, साइक्लोप्रोपेन, इनमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इसका मतलब इसमें दो ही टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, उन पांच में से सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। मतलब इसमें नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल प्रेजेंट नहीं होगा और ना ही पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, क्योंकि इनके बीच का गैप भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है।
सो हम कह सकते हैं कि हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन. सिग्मा बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. क्यों? सिग्मा बॉन्ड्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा उनको एब्जॉर्ब करनी होती है. एंड दिस ट्रांजिशन अकर्स एट शॉर्टर वेवलेंथ इन फार यूवी रीजन. व्हाट इट मींस, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा है और हम जानते हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ वेवलेंथ, दैट मींस लैम्डा. सो अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये हायर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मीन शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट होती है इस ट्रांजिशन के लिए, वो होती है यूवी रीजन, विच इज इक्विवेलेंट टू 125 टू 165 नैनोमीटर. और इस टाइप के ट्रांजिशन की स्टडी जो है वैक्यूम में की जाती है. इसके रीजन क्या हो सकते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो 200 नैनोमीटर से लेस देन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकती है, या खुद उस जब वो ऐसा कर सकती है. इस वजह से अगर हम इसको वैक्यूम में नहीं करेंगे तो एयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमें परफेक्ट लैम्डा मैक्स या ई मैक्स का हमको फॉर्मूला, या फिर हम कह सकते हैं डाटा, हमको नहीं मिल पाएगा. इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा इस टाइप की ट्रांजिशन को वैक्यूम में ही परफॉर्म किया जाता है, या इस टाइप की डाटा एनालिसिस वैक्यूम में ही की जाती है. इसके एग्जांपल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, एथेन, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, आपको पता है जितने भी टाइप के एल्केन्स हैं वो सभी इस टाइप के ट्रांजिशन शो करते हैं. अब हम बात करते हैं सेकेंड, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. तो सबसे पहली बात होती है एन मीन्स वॉट? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. एंड सिग्मा स्टार इज वॉट? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो अगर हम देखें किस टाइप के मॉलिक्यूल में ये तीन ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो और साथ ही साथ कुछ हेट्रो एटम्स हो जो जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स किसमें पाए जाते हैं, ऐसे बॉन्ड्स किसमें पाए जाते हैं? लाइक एल्कोहल्स में ऑक्सीजन है, ईथर्स में ऑक्सीजन है जो कार्बन के साथ बॉन्ड करते हैं, एमीन्स में नाइट्रोजन है, एल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन है. इनके पास जो लोन पेयर्स हैं वो एक नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. उसी तरीके से हम बात करते हैं इसमें सिग्मा बॉन्डिंग भी होता है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होता है. तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में तो जाता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ इस केस में एन ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है. आप यहाँ देख सकते हैं मैं कर्सर को जो है मूव कर रहा हूँ. तो एन में भी अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन दिस केस, एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एज बिफोर. तो हम यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा एन टू सिग्मा स्टार. तो इसका मतलब ये जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ये एनर्जी ऑब्वियसली सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम है, तो इसलिए ये उससे थोड़ा सा ज्यादा मींस लॉन्गर वेवलेंथ पे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, व्हिच इज कॉल्ड नियर यूवी रीजन, दैट इज 180 टू 200 नैनोमीटर. और दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स विद हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन एटम्स. एग्जाम्पल आपको पता है एल्कोहल्स, ईथर्स, एमीन्स, एल्काइल हैलाइड्स, इन सभी में इस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप की एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होती हैं और इस टाइप की ट्रांजिशन पाई जाती है. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड. थर्ड इज वॉट? पाई पाई स्टार ट्रांजिशन. अब ये पाई पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होगा? तो इसके लिए हमको ये देखना होगा कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें पाई ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं. तो आपको तो पता ही है कि सिग्मा बॉन्ड तो हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता ही है, और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होने के लिए या इन एनर्जी लेवल्स को पाने के लिए हमको ऐसे बॉन्ड देखने पड़ेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स देखने पड़ेंगे जिसमें पाई बॉन्ड भी है, जैसे कि एल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, साइक्लोएल्केन्स एंड डाइन्स. तो अब हम लोग देख रहे हैं इस केस में, इन सभी केसेस में सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं. अब जब हम जानते हैं कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फील्ड है, पाई बॉन्डिंग भी फील्ड है, पाई एंटी बॉन्डिंग जो है अनऑक्यूपाइड है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी अनऑक्यूपाइड है. अब हम देखते हैं यहाँ होमोलिमो का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे पाई बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है. तो पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये ऊपर का लेवल है और ये कहलाएगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. वहीं पर सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग में हम देखते हैं तो यहाँ पर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगा? पाई स्टार. तो यहाँ जो सिंपली देखा जाएगा जो ट्रांजिशन वो होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन.
अब पाई टू पाई पाई स्टार ट्रांजिशन आपने देख लिया, इसका मतलब ये है कि ये एल्कीन एल्काइन्स साइक्लोएल्केन्स जो इस टाइप के ट्रांजिशन शो करेंगे, लेकिन इनकी एनर्जी जो है आप देख सकते हैं कि एन टू पाई स्टार सॉरी एन टू सिग्मा स्टार से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये और लॉन्गर वेवलेंथ में, मतलब 200 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ पे क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, और मोस्टली इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कलर्ड, और कलर्ड होने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये सभी क्रोमोफोर्स भी कहलाते हैं। क्रोमोफोर्स मीन्स व्हाट, ये वो होते हैं जो इटसेल्फ कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वैसे वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो सभी क्रोमोफोर्स कहलाते हैं क्योंकि ये सभी इटसेल्फ कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये और लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मीन्स शॉर्टर एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। इससे क्या होते हैं कि इनकी कलर जो है इंटेंस होती चली जाती है। तो हम क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का कॉन्सेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या हुआ, और आपने ऊपर भी देखा है कि एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या हुआ, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या हुआ। सभी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में किस टाइप की ट्रांजिशन होगी। आपको इसके लिए आइडेंटिफाई अगर करना है तो सबसे सिंपल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कौन से मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड्स होते हैं सिंपली। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या है, इसमें क्या होगा हम देख सकते हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, और साथ ही साथ कोई हेट्रो एटम भी है जिसके पास क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। और ज्यादातर हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हेट्रो एटम है वो कार्बन के साथ पाई बॉन्डेड के थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू क्या हो, अटैच हो। अगर वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच है तो उसका जो अलाउड ट्रांजिशन होगा वो एन टू सिग्मा स्टार में होगा, लेकिन अगर वो पाई बॉन्ड के साथ अटैच है तो उसका जो अलाउड ट्रांजिशन होगा वो एन टू पाई स्टार में होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कितने सात, तो हम यहाँ देख सकते हैं जितने भी पांच एनर्जी लेवल्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे वो सभी इस टाइप के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। लाइक हम यहाँ देख सकते हैं आप कर्सर को, साइनाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, एनओ हो गया, तो इन सभी में ये सारे एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट हैं। तो लेकिन इसमें हम देखते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगा, ये बॉन्डिंग वाला, क्योंकि पाई भी फील्ड है, सिग्मा बॉन्डिंग भी फील्ड है और एन भी फील्ड है, तो ये हुआ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। वहीं पे चूंकि पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो है अनफील्ड है या अनऑक्यूपाइड है, तो हम कह सकते हैं दीज आर लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा एन टू पाई स्टार वो यहाँ होगा। अब इसमें सबसे कम एनर्जी लगती है, इस वजह से यहाँ ये सबसे लॉन्गर वेवलेंथ पे जाता है, नियरली ये विजुअल कहा जाए तो विजिबल रेंज के आसपास आ जाते हैं। इनमें भी कलर ये प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, ये भी क्रोमोफोर्स हैं, और अगर इनमें कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें तो ये और अच्छे इंटेंस कलर देते हैं, और ऐसे ग्रुप्स को हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पाई एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, और इसमें जो बैंड्स बनते हैं इनको के बैंड्स भी बोलते हैं, तो इस बात के ध्यान रखेंगे अगर के बैंड्स के बारे में पूछा जाए तो कुछ नहीं, आपको एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बारे में ही बताना है। आगे हम देखते हैं ट्रांजिशन जो हमने चार टाइप की देखे इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन एन टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, एंड सबसे कम एनर्जी जो है एन टू पाई स्टार में लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें सारे बॉन्ड्स जो है वो कौन से बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो ये किस टाइप का ट्रांजिशन देगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देगा, और इसकी जो वेवलेंथ जो ये एब्सॉर्ब करता है दैट इज 135 नैनोमीटर। अब हम बात कर रहे हैं मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल में देखिए सिग्मा बॉन्ड है और एज वेल एज ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों है, इसका मतलब ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी शो कर सकता है और एन टू सिग्मा स्टार भी शो कर सकता है। बट आप देख सकते हैं लॉन्गर वेवलेंथ कौन सा है, 183, दैट इज एन टू सिग्मा स्टार, इसलिए इसको एन टू सिग्मा स्टार के एग्जांपल में ही कंसीडर किया जाता है। अभी हम देखते हैं इथाइलिन, जिसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या है, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। जब सिग्मा और पाई दोनों प्रेजेंट होते हैं तब क्या किया जाए, तो ऑब्वियस है कि सिग्मा और पाई दोनों प्रेजेंट है तो इसमें पाई ही होमो है और
पाई स्टार क्या है, ल्यूमो है, दैट मींस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ये देता है 175 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स। बेंजीन में देखेंगे सेम केस, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं और ऑब्वियसली इसमें तीन डबल बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसका जो वेवलेंथ है इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये लॉन्गर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा। मैंने आपको बताया जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे वो उतने ही ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो कलर्ड होता चला जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सीटोन की, इसमें लोन पेयर भी है, इसमें पाई बॉन्ड भी है और साथ ही साथ इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है। और तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस टाइप का, क्योंकि ये ऑक्सीजन विच इज हेट्रो एटम एन हेट्रो एटम, वो हेट्रो एटम देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेगा। तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें देखना है कि उसमें किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिग्मा बॉन्ड है और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी है तो वो होगा पाई टू पाई स्टार। अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ ऐसे एटम्स हैं जो कि लोन पेयर रखते हैं, तो ऐसे एटम के साथ वो देगा एन टू पाई स्टार, सॉरी एन टू सिग्मा स्टार। और अगर उसमें पाई बॉन्ड भी है तो वो देगा एन टू पाई स्टार। तो आप समझ ही चुके हैं। अभी हमें, चूंकि आप जान रहे हैं कि ये जो सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन है आपकी यूनिट 2, जो कि मैं आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड टेक्निक्स में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको, जैसे कि पता है हमको जो भी कलर्स दिखाई देते हैं ये विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से, विजिबल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करने की वजह से हैं। तो ये कब होता है, जब मॉलिक्यूल्स जो है सनलाइट से विजिबल रेंज की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब विजिबल रेंज की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो प्रोड्यूस करते हैं और वो कलर हमको दिखाई देता है, जिसका इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। लाइक अगर वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो ग्रीन कलर, तो वो आपको दिखाई, येलो ग्रीन दिखाई देगा वो कंपाउंड जो है। और वो देखा जाए तो 400 टू 435 नैनोमीटर के आसपास की रेंज की वेवलेंथ को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरीके से अगर वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो येलो दिखाई देगा, ग्रीन ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज दिखाई देगा, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड दिखाई देगा। इसको एक आर्टिस्टिक कलर व्हील के थ्रू भी समझा जाता है, वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आर्टिस्टिक कलर व्हील में क्या करना है, आप इस तरीके से विबग्योर को लिख सकते हैं, दिस इज बी जी वाई ओ आर। ये स्मॉल कॉन्सेप्ट है, अगर पूरा समझना है तो ये पूरा देखना पड़ेगा, अदरवाइज यहां से देखेंगे। अगर वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो वो कौन सा कलर दिखाई देगा, येलो। ओके, अगर वो ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो वो कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड आर्टिस्टिक कलर व्हील। और इस तरह से भी कलर का हम एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि कंपाउंड कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी। और अगर इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, और इस चैप्टर में, इस चैप्टर का जो कहा जाए जो पीडीएफ नोट्स है वो मैं आपको, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, आप वहां से मेरे क्या बोल सकते हैं, लिंक से, लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।